आज देश में बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी और पश्चिमी बंगाल में जो घटनाएं घटी उसको लेकर आम जन में बहुत विरोध है और तीव्रता का विरोध है। द्वेष भावना से ऐसी घटनाएं घटी है जिसे आम जन में आक्रोश ही नहीं भारी विरोध है। और जोधपुर में आज उसके प्रोटेस्ट में जो बांग्लादेश में घटनाएं घटी, हमारे हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, उनकी संपत्तियां जला दी गई, मंदिरों को तोड़ दिया गया, आस्था पे ठोस पहुंचाई, उसको लेकर के आज जोधपुर में मौन जुलूस है। ये किसी धर्म या किसी जाति का संबंधित नहीं है, ये जो अत्याचारी है उनके विरुद्ध है। वहां की सरकार ने भी मंदिर में जाकर उनको आश्वासन दिया है कि हम आपका संरक्षण करेंगे, फिर भी जो अत्याचार हुए वो रुके नहीं है। और इसी तरह जो पश्चिमी बंगाल में एक घटना घटी है वो भी बहुत ही निंदनीय है। जितने शब्दों में उसकी निंदा करें वो भी शब्द कम है। इन सब के विरोध में जोधपुर में आज मौन जुलूस है। हिंदुस्तान और प्रदेश के अनेक शहरों में आम जन में भारी आक्रोश है। हम भी इस घटनाओं की पूर्ण रूप से निंदा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सरकारों से मांग करते हैं कि आम जन का जीवन सुरक्षित रहे, जो ऐसी घटनाएं घटी उनको सख्त से सख्त सजा दिलावे, भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटे इसके लिए पूरे पर्याप्त बंदोबस्त करें। और पिछले दो दिन से और विशेष कल रात्रि में जोधपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में भयंकर बरसात हुई है। बरसात भी अतिवृष्टि की श्रेणी में आने लगी है। हमारे लूणी क्षेत्र में अनेक गांवों में जल भरा हुआ है और रास्ते रुके हैं, जो फसलें खड़ी है उसमें पानी भी भर गया है। सरकार पूरा बंदोबस्त कर रही है, किसी जन जीवन को नुकसान नहीं हो, जन हानि नहीं हो, पशु हानि नहीं हो, रास्ते बंद नहीं हो, पर फिर भी ऐसे अनेक रास्ते हैं जो अवरुद्ध हुए हैं। जोधपुर शहर में भी शायद नांदड़ी की रोड हो अवरुद्ध है, आमजन को बहुत तकलीफ है। सरकार इस समस्या से गंभीर रूप से ले रही है और गंभीरता से उसका निपटारा भी कर रही है। हालांकि उसकी निकासी के लिए अनेक अड़चने हैं। डीपीएच चौराहे पे भी पानी की भरा हुआ है। वहां की आगे की जो सीवरेज लाइन है निगम की वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। नए सिरे से लाइन बचाने का काम रात और दिन चल रहा है, शीघ्र उसका भी समाधान होगा। आमजन को जो परेशानी है उसको समाप्त करने के लिए भजनलाल सरकार पूर्ण रूप से तत्परता से तैयार है। कल 71वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए। लाल किले की पासीर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक उद्बोधन दिया और जयपुर में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सरकार का पूरा विजन रखा। विभिन्न जिला मुख्यालयों पर महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण का वाचन हुआ। उसमें भी सरकार का जो एक साल भर का विजन है, सरकार ने जो कार्य किए हैं, सरकार जो करने वाली है, उसका विजन रखा। मुझे पूर्ण विश्वास है इस अमृत काल में हमारा प्रदेश हो या हमारा देश हो, एक समृद्ध और विकसित प्रदेश और राष्ट्र बनेगा और पुनः हम सोने की चिड़िया बनेंगे। ऐसे हमारी संकल्प है, ऐसा हमारा संकल्प है और मोदी जी के नेतृत्व में इसे हम पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।